Hey guys, this is me, Vimesh Thari, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली क्योंकि फाइनली मेरा कॉलेज खुल चुका है। मैं पढ़ता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में और अभी मैं हूँ उसलापुर रेलवे स्टेशन में। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे में है, तो वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको मैं अपनी पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली, और इसके अलावा मैं दिल्ली की कुछ फेमस प्लेसेस वहाँ भी जाने वाला हूँ और वहाँ की भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। दिस इज झांसी रेलवे स्टेशन एंड दिस इज दिल्ली द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। हे गाइस, मैं हूँ अभी दिल्ली में। ये देखो, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कल अपना बीजी ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अभी हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट, तो वीडियो में बने रहिए। दिल्ली में सबसे बेस्ट और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ की सिटी बसेस। दिल्ली इज वेल कनेक्टेड बाय बस एंड इवन दो इट इज अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बसेस कैन गेट वेरी क्राउडेड स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। Hey guys, मैं अभी पहुंच चुका हूँ सरोजनी मार्केट। ये एरिया थोड़ा फेमस है शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। दिल्ली में इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है शॉपिंग के लिए, लेकिन सरोजनी मार्केट इज वेरी फेमस अमॉन्ग देम। आइटम्स हियर आर मोस्टली एक्सपोर्ट सरप्लस और आइटम्स दैट हैव बीन रिजेक्टेड बाय ब्रांड्स बिकॉज ऑफ माइनर डिफेक्ट्स। दे कुड ऑल्सो बी रेप्लिकास ऑफ ब्रांड्स बट दे आर गुड एज देयर ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स। स्टाइल्स, डिजाइन एंड ब्रांड्स दैट हैव नॉट बीन इवन रीच इंडिया वुड फाइंड इट्स वे टू द नैरो लेन्स ऑफ सरोजनी मार्केट। इफ यू आर विजिटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मे गेट ओवरवेल्म्ड और इवन स्केयर्ड बिकॉज इट गेट्स एक्सट्रीमली क्राउडेड स्पेशली ऑन वीकेंड्स। और सरोजनी मार्केट को तो मैं बॉयज़ के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन गर्ल्स के लिए बेस्ट प्लेस है शॉपिंग के लिए। Hey guys, मैं आ चुका हूँ सरोजनी मार्केट के बाहर। वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा था। वहाँ मैंने दो चीज़ लिया, एक बैग और एक शूज़। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो ऐसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में मुझे आपको बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसे किसी ने रियल में ना देखा हो, लेकिन इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अभी इंडिया गेट। दिस 42 मीटर टॉल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर वॉज डिजाइन बाय सर एडविन लुटियंस एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल इन द कंट्री। India Gate is also famous for hosting the Republic Day parade every year, dedicated to 82,000 Indian and British soldiers who died during the First World War and the Third Anglo-Afghan War. To our bravers through interactive screens inside the memorial. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। यह राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे यह भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। ये है अमर जवान ज्योति। इस आइकॉनिक सिंबल को बनाया गया है ट्रिब्यूट देने के लिए उन सोल्जर्स को who have died for the country in various wars and conflicts since independence. और इस पर उन सारे सोल्जर्स के नाम हैं जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। Thank you.
ये है दूसरा दिन और आज मैं विजिट करूँगा दिल्ली की फेमस मॉन्यूमेंट्स को। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार। ये है कुतुब मीनार का टिकट काउंटर। यहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट्स के लिए। कुतुब मीनार इज वन ऑफ द हाईएस्ट मीनारेट इन इंडिया विद अ हाइट ऑफ 73 मीटर्स एंड आई फील प्राउड टू से दैट इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट ब्रिक मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। कुतुब मीनार को टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ये बना था 12th सेंचुरी में, मतलब ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना है। इसे बनवाया था कुतुब उद्दीन ऐबक ने लास्ट हिंदू रूलर को हराने के बाद। अभी हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल। ये है लोटस टेम्पल। इसे लोटस टेम्पल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो जिस स्ट्रक्चर में बना हुआ है वो एक लोटस फ्लावर की तरह है। दिस टेम्पल हैज नो आइडल्स ऑफ एनी गॉड। द लोटस टेम्पल इज द ओनली बहाई टेम्पल ऑफ वर्शिप इन एशिया। नाउ द रेड फोर्ट और लाल किला। ये मेन रेसिडेंस हुआ करता था मुगल एम्परर्स का। इसे बनवाया था शाहजहां ने इन द मिड 17th सेंचुरी और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अब मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन देखने। एंड द नेक्स्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। अगर आपको ज़्यादा हिस्ट्री पसंद नहीं है फिर भी अ विजिट टू इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम विल लीव यू अमेज्ड एज इट इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट इंदिरा गांधी। दिस प्लेस सर्व एज द परफेक्ट नॉलेज सेंटर टू गेट अ ब्रीफ इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर एंड एन आयरन लेडी ऑफ इंडिया मिस इंदिरा गांधी। ये जगह पहले घर हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी की, लेकिन इनके डेथ के बाद इसे कन्वर्ट कर दिया गया म्यूजियम में। Now at last, Humayun Tomb. The Tomb of Emperor Humayun at 47 meters, built in Persian style, और ये पहला monument था इंडिया में जो Persian double dome architectural style पर बना हुआ है और ये भी UNESCO World Heritage Site है। तो गाइस यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।